योर ब्रेन ऑन पोर्न बाय गैरी विल्सन। दुनिया भर में की गई रिसर्च इस बात का खुलासा करते हैं कि ज्यादातर पोर्न कंजम्पशन आपको एक पोर्न एडिक्ट, इनसेंसिटिव, लेस प्रोडक्टिव, लेस फोकस्ड और डिस्ट्रैक्टेड बना सकता है। इस डिजिटल एरा में जहां इंटरनेट की पावर आपके फिंगर टिप्स पर है, वहीं पोर्न यूजर्स की बढ़ती संख्या ने इस इंडस्ट्री को और फैशनेट कर दिया है। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत डरावने हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत लेट दिखने शुरू होते हैं और जहां से पोर्न एडिक्शन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि इसमें पोर्नोग्राफी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। पोर्न की लत के चलते यंगस्टर्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी देखी जा रही है। वहीं इसका असर उनकी फर्टिलिटी पावर पर भी पड़ रहा है। लेकिन क्यों युवाओं को पोर्न की लत लग रही है? द लर्निंग लाइब्रेरी के इस बाइट्स में इसके पीछे के कारणों पर नजर डालेंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर पोर्न की लत आपके ब्रेन पर किस तरह का असर डालती है और किस तरह से इस आदत को छोड़ा जा सकता है। लगातार पोर्न देखने से इंसान के सोचने और समझने की शक्ति चली जाती है, तो वहीं इसकी वजह से उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। दोस्तों, जब से हाई स्पीड इंटरनेट का दौर आया है, तब से यह प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनेट ने लोगों की दुनिया को बदल कर रख दिया है। एक क्लिक पर लोगों को सारी जानकारियां मिलने लगी। ऐसे में पोर्न इंडस्ट्री ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया और लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। अब देखिए ना, जहां पहले लोग पोर्न को देखने या सुनने के लिए पैसे चुकाते थे, वहीं अब यह सब कुछ इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। इस तरह की अडल्ट वेबसाइट का मेन फोकस यंगस्टर्स हैं, जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। इनकी पहुंच लोगों तक बहुत ही आसान हो गई है। पोर्न का असर ब्रेन पर बिल्कुल उसी तरह पड़ता है जैसे नशीली दवाओं को खाने से होता है। रिसर्च में इस बात का भी पता चला है कि ज्यादा पोर्न देखने या सुनने से ब्रेन में ग्रे मैटर बहुत कम होने लगता है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन में ग्रे मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके जरिए ह्यूमन ब्रेन में चीजों को याद रखने और रीजनिंग की स्ट्रेंथ डिवेलप होती है। लेकिन ज्यादा पोर्न देखने से धीरे धीरे ग्रे मैटर कम होने लगता है, जिसकी वजह से एक ही काम पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहीं इसकी कमी से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पोर्न आपके ब्रेन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर आप भी पोर्न की लत को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि ये आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्न की लत के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन इसकी शर्त है कि आपको पोर्न की लत को छोड़ना होगा। जैसे जैसे आप पोर्न देखने या सुनने की आदत से उभरेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधरती जाएगी, तो वहीं लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी बेहतर होते चले जाएंगे। आप हमेशा यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं जो पोर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस लत से परेशान हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आयरनी की बात यह है कि जितने लोग पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, उससे ज्यादा लोग हर दिन इसके शिकार हो रहे हैं। पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसके लिए कई एनजीओ और सोशल ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अभाषा भी इसी तरह का एक ग्रुप है जो भारत में लोगों को पोर्न की लत को छुड़ाने में मदद करता है। इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर में हर तरह की थेरेपी दी जाती है, जिससे कि पोर्न की लत से जल्द छुटकारा पाया जा सके। पोर्न एडिक्शन से आपके ब्रेन में ज्यादा डोपामिन रिलीज होने लगता है, जो ब्रेन की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आपके ब्रेन का इस्तेमाल होता है। फिर चाहे वो आपके घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, या फिर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, ब्रेन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। इसीलिए जितना आप हेल्दी थिंकिंग रखते हैं, क्रिएटिव वर्क में खुद को बिजी रखते हैं, ब्रेन भी उतने ही बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन वहीं अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है।
ब्रेन ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करने लगता है जो ब्रेन के वर्क को इनबैलेंस कर देता है। पॉर्न का एडिक्शन भी ब्रेन के साथ यही करता है। थोड़ी देर के लिए मिलने वाली खुशी की कीमत आपकी बॉडी को चुकानी पड़ती है। बार बार अडल्ट कंटेंट देखने की वजह से दिमाग पर जोर पड़ने लगता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा सोचने और समझने की पावर को खोने लगता है, तो वहीं आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी कम करता है। आम भाषा में कहें तो दिमाग जो है ना, वो सिकुड़ने लगता है। ह्यूमन ब्रेन में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वह हैप्पी, सैड, पेन और दूसरी तरह के इमोशंस को फील करता है। जब भी आप पॉर्न देखते हैं ना, तो ब्रेन से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। फिर आपका दिमाग इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए आपको फोर्स करता है और आप एक तरह के सर्कल में फंसते चले जाते हैं। जितना ज्यादा आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं, आपका ब्रेन इस तरह की फीलिंग या एक्साइटमेंट को लेकर डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है, यानी आपके ब्रेन को डोपामिन रिलीज करने के लिए दूसरी तरह से हार्डकोर कंटेंट की जरूरत पड़ने लगती है, यानी कि एक तरह से पॉर्न की लत को बढ़ावा मिलने लगता है। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज नहीं करेगा, आप पॉर्न से सेटिस्फाई नहीं होंगे। धीरे धीरे आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने के तरीके को बदल देता है। फिर आपका ब्रेन दूसरी तरह से फीलिंग्स को लेकर रिएक्ट करना बंद कर देता है। किसी भी तरह की हैप्पीनेस या स्मार्टनेस का एहसास नहीं होगा, ना ही आप किसी तरह के इमोशंस को फील करेंगे, और आपकी लाइफ बोरिंग और आइसोलेशन से भरी होगी। उससे भी ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? वो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन से कभी खुश नहीं होंगे, और ना ही आप अपने पार्टनर को खुश कर पाएंगे जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे। पॉर्न में देखी गई इमेज को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो इस कंडीशन में आप फिजिकल रिलेशन के लिए एक से ज्यादा पार्टनर की खोज करेंगे, और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता, जिसे साइंस की लैंग्वेज में कुल्स इफेक्ट कहा जाता है। फीमेल के कंपैरिजन में मेल में पॉर्न एडिक्शन ज्यादा होता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस डोपामिन हार्मोन की वजह से इंसान के अंदर फीलिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से इंसान की प्रजनन क्षमता बढ़ती है, वही डोपामिन पॉर्न की लत के केस में बिल्कुल उल्टा काम करता है। पॉर्न की लत की वजह से कई तरह की सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने पोर्नोग्राफी और इसके साइड इफेक्ट्स पर बात की। ऑथर गैरी विल्सन ने इससे बाहर निकलने के अमेजिंग सॉल्यूशंस भी बताए हैं। पॉर्न की लत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जरूरत है। दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि पॉर्न की लत की वजह से अब तक आपका जितना फिजिकल और मेंटल नुकसान हुआ है, उसे आप ठीक कर सकते हैं और फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग दिल से पॉर्न को छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी ही सामने आने लगते हैं। ब्रेन भी सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है, तो वहीं ब्रेन में ग्रे मैटर की क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप पॉर्न देखना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो महज एक हफ्ते में ही इसके रिजल्ट्स नजर आने लगते हैं, तो वहीं आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशंस सुधरने लगते हैं। इसके साथ ही आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगती हैं। देखिए, रिसर्च बताती है कि किसी दूसरे नशे की तरह ही पॉर्न की लत को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग रखेंगे तो यह नामुमकिन नहीं है। अगर धीरे धीरे पॉर्न देखना छोड़ने की जगह इसे पूरी तरह से देखना बंद कर देंगे, तो आपके जल्द से जल्द ठीक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके साथ ही आपके अंदर बदलाव भी जल्द से जल्द नजर आने लगेंगे। ऑथर कहते हैं कि पॉर्न की लत को छोड़ने के बाद आपको मास्टरबेशन की आदत को भी छोड़ना होगा। पॉर्न छोड़ने के बाद करीब 30 दिनों तक इन सब से दूर रहे। इससे आपके ब्रेन को फिर से उसी तरह से फंक्शन करने का मौका मिलेगा जैसा वो पॉर्न देखने से पहले करता था। उसके बाद जब भी आप कभी मास्टरबेशन करें, तो पॉर्न के सीन को दिमाग में ना लाएं, नहीं तो आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि यह आपके ब्रेन में पॉर्न की लत को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए खुद पर कंट्रोल रखें, क्योंकि जितना नुकसान आपके शरीर और ब्रेन का हो चुका है, उसे ठीक करना भी जरूरी है। दोस्तों, आपकी डेली लाइफ में ऐसी कई बातें होंगी जो आपकी पॉर्न देखने की क्रेविंग को ट्रिगर करेंगी।
लेकिन इन ट्रिगर्स को आपको पहचानना होगा और इनसे बचने की कोशिश करनी होगी। मान लीजिए कि आप रात में अकेले बैठकर काम कर रहे हैं और अचानक आपको पॉर्न की लत ट्रिगर करे, तो उस समय कुछ और काम करने लग जाइए, थोड़ा टहलने लग जाइए या फिर फैमिली के किसी मेंबर के साथ बैठ जाइए। ऐसा करने से आपको हेल्प मिलेगी। आप अपने फोन और सभी तरह के डिवाइस से पॉर्न को पूरी तरह से हटा दें। तो वहीं सोशल मीडिया पर अगर आपने ऐसे ग्रुप्स को फॉलो किया है जो अडल्ट कंटेंट से जुड़े हैं, तो उन्हें भी अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये सभी आपकी पॉर्न की लत को ट्रिगर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बिल्कुल डिसेंट कंटेंट देखें, तो वहीं आप सोशल मीडिया पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ताकि आपके सामने ऐसा कोई भी कंटेंट ना आए जो कि पॉर्न से जुड़ा हो या फिर जो आपकी पॉर्न की लत को ट्रिगर करता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेल्फ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, तो वहीं आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी और इसके साथ ही आपका ब्रेन भी ठीक तरह से काम करेगा। एक बार जब आप पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने की तरफ कदम बढ़ा दें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दोबारा उस तरफ ना जाएं, और इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। योग और मेडिटेशन के जरिए आपको सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। योग करने से ब्रेन में डोपामीन का रेगुलेशन भी ठीक तरीके से होता है, तो वही मेडिटेशन आपके डिसीजन को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ भी इस बात को शेयर कर सकते हैं, इससे आपका गिल्ट कम होगा, तो वहीं आपका दोस्त इस दलदल से बाहर आने में आपकी हेल्प भी कर सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर आप पॉर्न की लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते। ऐसे कई थेरेपिस्ट और काउंसलर हैं जो पॉर्न की लत को छुड़वाने में एक्सपर्ट हैं। इनके साथ आप हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको पॉर्न की लत कब लगी और आप इसे आखिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनकी सलाह से आप पॉर्न एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक पॉर्न देखना आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है। कुछ मामलों में पॉर्नोग्राफी की वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होने लगता है। पॉर्न एडिक्शन को अगर जल्दी नहीं छोड़ा गया तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस डिजिटल ड्रग के एडिक्शन से उबरने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले जाना कि आजकल हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से ज्यादातर यंगस्टर्स इसकी चपेट में हैं, जिन्हें इस तरह के एडिक्शन से बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो खुद से इसे छोड़ना चाहते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो पॉर्न की लत को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो इस लत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन्हें दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत है। और जो लोग खुद से इसे छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें खुद को हमेशा स्ट्रांग रखने की जरूरत है, ऐसी बातों से दूर रहने की जरूरत है जो उनकी पॉर्न की लत को ट्रिगर करती हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो जल्दी ही आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट नजर आने लगेंगे। उम्मीद है आपको द लर्निंग लाइब्रेरी का यह समरी पसंद आई होगी। आप हमें अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई समरी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें।